नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है जिसका नाम है बाय सेल सिग्नल सॉफ्टवेयर। तो अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं और लॉस से परेशान हैं, या फिर आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना रिटर्न आपको नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा सा टाइम निकल के मेरा वीडियो को देख लीजिए, शायद आपके लिए कुछ बेनिफिट हो सकता है। आज को मैं बैंक निफ्टी ऑप्शन के ऊपर बेस करके एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ, और इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा जो मार्केट में कॉल कैसे बनता है, कैसे आप एक स्ट्रॉन्ग कॉल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे हम लोग को सबको पता है, मार्केट में बहुत सारा कॉल बनता है, कुछ ही कॉल अचीव होता है, मैक्सिमम कॉल अचीव नहीं हो पाता है, वो भी अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करते हैं एंड ऑप्शन बाइंग करते हैं। जैसे हम लोग को सबको पता है, ऑप्शन बाइंग जितना प्रॉफिटेबल है उससे काफ़ी गुना ज़्यादा रिस्क भी होता है, जहाँ पर हम लोग मैक्सिमम टाइम ट्रैप हो जाते हैं। तो ऑप्शन बाइंग में ट्रेड करने का बहुत सारा रूल होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो रूल होता है, जो मार्केट में आप जब घुस रहे हैं तो आपको देखना है उस टाइम मार्केट में वॉल्यूम का कितना ज़्यादा प्रेशर है। मैक्सिमम टाइम हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ प्राइस का ऊपर बेस करके ट्रेड करते हैं। प्राइस हम लोग को आंखों के सामने घूमते रहता है और प्राइस ही हम लोग को ट्रैप कर देता है। तो प्राइस का साथ साथ जो इंपॉर्टेंट चीज़ होता है वो है वॉल्यूम। वॉल्यूम को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि प्राइस बहुत टाइम फेक होता है। फेक इन द सेंस, ऐसा बहुत टाइम देखा जाता है जो प्राइस का तो मूवमेंट हो रहा है बट वॉल्यूम का मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है वो एक्चुअल ट्रेंड नहीं है, वहां पर आपको नहीं घुसना है। बट प्राइस का भी मूवमेंट हो रहा है और वॉल्यूम का भी मूवमेंट हो रहा है, तो ऐसा सिचुएशन में ट्रैप होने का संभावना बहुत ही कम होता है। तो उसी चीज़ को मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, तो देखिए काफ़ी सारा नॉलेज आपको इसमें मिलने वाला है। और वीडियो शुरू करने का पहले एक बार बता देना चाहता हूँ, अगर आप इस मार्केट में न्यू हैं, अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, या हम लोग के थ्रू ज्वाइन होना चाहते हैं, जैसे हम लोग एलएस ब्रोकर के साथ काम करते हैं, काफ़ी अच्छा ब्रोकर कंपनी है, काफ़ी सारा फैसिलिटीज भी दे रहे हैं। स्पेशली अगर आप ऑप्शन ट्रेडर है तो ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए एलएस ब्रोकर का प्लेटफॉर्म और भी अच्छा है। तो और भी डिटेल में जानकारी लेने के लिए मेरा वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन मिलेगा, वहाँ पर अकाउंट ओपनिंग का एक फॉर्म का लिंक मिलेगा, लिंक को ओपन करके फॉर्म को सबमिट कर दीजिए, आपका पास एलएस ब्रू की तरफ से फ़ोन चला जाएगा। मन में जो भी डाउट है, क्वेरीज है, आप डायरेक्टली उनसे कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, अभी मैं 42,500 का कॉल का चार्ट लगाया हूँ। अब बहुत बंदा का मन में क्वेरीज होता है जो स्ट्राइक प्राइस कैसे चूज़ करना है। स्ट्राइक प्राइस उसी को चूज़ कीजिए जो वैल्यू चल रहा है उसका आसपास का स्ट्राइक प्राइस, मतलब एट द मनी। आउट ऑफ द मनी में मत खेलिए, इन द मनी में खेल सकते हैं, उसका विनिंग रेशियो काफ़ी ज़्यादा है, बट उसमें प्रीमियम भी बहुत ज़्यादा लगता है, मतलब पैसा भी आपका ज़्यादा लगेगा। तो एट द मनी जो होता है मीडियम होता है, तो एट द मनी में मैक्सिमम ट्रेडर ट्रेड करता है। एट द मनी मतलब जो वैल्यू चल रहा है उसका आसपास का स्ट्राइक प्राइस को हम लोग एट द मनी हिसाब से चूज करते हैं। तो देखिए आज को मैं 42,500 का कॉल का चार्ट लगाया हूँ बैंक निफ्टी ऑप्शन में, और यहाँ पर मुझे कॉल दिखाई दे रही है जो ग्रीन कलर का एरो, ये आपका कॉल है। और जैसे कॉल आएगा बॉक्स के अंदर उसका डिटेल्स लिख के आ जाएगा, जैसे 285 में बाय का कॉल दिया था। टारगेट देखने का जरूरत नहीं है, ऑप्शन के लिए हम लोग ऐसा टारगेट सेटअप नहीं रखते। अगर आप बैंक निफ्टी में काम कर रहे हैं तो आपका टारगेट सेटअप रहेगा 40 to 50 पॉइंट, तो ये आपको माइंड में रखना है। 40 से 50 पॉइंट लेना है और मार्केट से भागना है। तो बाय का कॉल बनाए, आप क्या क्या कंडीशन देखने के बाद आप ट्रेड लेंगे जो इंपॉर्टेंट है। बाइंग का टाइम नीचे का जो रिबन है उसका कलर ग्रीन होना चाहिए, मिडिल में आपको दो लाइन दिखाई देगा जो ग्रीन होना चाहिए, और बहुत इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले कर रहे हैं वो है वॉल्यूम का प्रेशर, जो कितना स्ट्रांग वॉल्यूम आपके लिए क्रिएट हुआ है मार्केट में। तो प्राइस का भी मूवमेंट हो रहा है, वॉल्यूम भी स्ट्रांग है, तो इसका मतलब है यहाँ पर आप पैसा बना सकते हैं, तो ये आपको हेल्प करेगा पैसा बनाने के लिए। तो जिनके देखते देखते मार्केट इतना ऊपर चला गया, अब अगर जो माइंड सेटअप आपका है जो 40 to 50 पॉइंट लेके निकलना है, आप उसका साथ भी कंटिन्यू कर सकते हैं, और अगर अदरवाइज अगर आपको थोड़ा सा रिस्क लेके ज़्यादा प्रॉफिट करना है, जैसे 285 से लेके 42 तक चला गया मार्केट, मतलब ऑलरेडी आप यहाँ पर 50 पॉइंट के ऊपर प्रॉफिट ले रहे हैं, बट अगर आप वेट करना चाहते हैं तो किसका हिसाब से वेट करना है। मिडिल में देखिए दो ग्रे लाइन चल रहा है जो धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, तो ये दोनों ग्रे लाइन को आपको फॉलो करना है। देखिए देखते देखते मार्केट 392 तक चला गया था, 400 का आसपास हाई मारा था, तो देखिए 400 का ऊपर भी चला गया। अभी ये जो सिचुएशन है, इन दिस पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है ये दोनों लाइन क्रॉस ओवर हो रहा है, तो आपका एक्सपेक्टेशन था 40 पॉइंट, बट मार्केट यहाँ पर 400 का ऊपर चला गया, मतलब मोर देन 150 पॉइंट का ऊपर प्रॉफिट देके गया। तो आप यहाँ पर वेट कर सकते हैं जब तक ये दोनों लाइन आपस में क्रॉस ओवर नहीं होगा, और अगर आप वॉल्यूम का तरफ थोड़ा सा नोटिस देंगे तो आपको दिखाई देगा वॉल्यूम ग्रेजुअली धीरे 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 नीचे गिर रहा है। तो ये कम रहे वॉल्यूम प्रेशर, मार्केट जितना ऊपर जा रहा है वॉल्यूम प्रेशर उतना कम रहा है। तो हम लोग का आंखों का सामने क्या होता है, प्राइस होता है, हम लोग प्राइस को देखते हैं, वॉल्यूम को चेक नहीं करते। एक ऐसा सिचुएशन आता है जहां पर वॉल्यूम नेगेटिव में चला जाता है जो हम लोग नोटिस नहीं करते, और जो भी हम लोग का हाथ में प्रॉफिट आ रहा था वो भी चला जाता है। तो इस हिसाब से मार्केट को फॉलो करना है, बहुत ही सिंपल वे में सिग्नल बनेगा, ट्रेंड के साथ वॉल्यूम के साथ मैच करके ट्रेड करना है। अगर कोई अच्छा कॉल मिले तो ही ट्रेड कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। कंसिस्टेंटली प्रॉफिट इज इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं डेली ट्रेड करना है,
महीना में 15 दिन ट्रेड करते हैं तो भी आपके लिए चलेगा। तो कैसा लगा स्ट्रैटेजी मेरा, जरूर कमेंट करके बोलिएगा, लाइक शेयर जरूर कीजिए। फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको कंटिन्यूअसली मिलता रहे। थैंक यू सो मच, गुड बाय।